इस लेक्चर के अंदर हम को को देखेंगे जो हमारा चौथा बॉक्स है ईडी पहला मैंने आपको राइट साइड बताई थी आपकी कंपोजिशन की लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की टॉप कंपैरिजन की कंपैरिजन हमने देख लिया बॉटम हम देखेंगे जो है को या रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या होता है को बेसिकली एक टर्म है जो को करते हैं हम जिसमें दो वेरिएबल्स को से फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल आपका पा, आपके पास कॉन्टीन्यूस एक वेरिएबल है एक दूसरा वेरिएबल है आप इन दोनों का रिलेशन देखते हैं यानी कि अगर एक की वैल्यू बढ़ती है क्या दूसरे की भी बढ़ रही है एक की वैल्यू कम हो रही है क्या दूसरे की भी कम हो रही है कि नहीं से फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाने से वेट बढ़ता है या नहीं अगर आज मैं से फॉर एग्जाम्पल तीन किलो कैलोरी नहीं हाँ तीन किलो कैलोरी चलो कह देते हैं तीन किलो कैलोरी खाना खाता हूँ तो मेरा वेट बढ़ रहा है या नहीं अगर मैं 400 खाता हूं तो वेट बढ़ रहा है कि नहीं 500 खाता हूं तो वेट बढ़ रहा है कि नहीं सो so, इस तरीके से जो हमारे पास कंबिनेशन होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है वी कैन हैव एन आइडिया ऑन दैट थिंग बेस्ड ऑन कोरिलेशन टाइप्स ऑफ को रिलेशन टेस्ट जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिसमें एक है पियर्सन को रिलेशन कॉफिशेंट दूसरा है स्पीयर्समैन रैंक को रिलेशन कॉफिशेंट पियर्सन को रिलेशन पैरामेट्रिक की टाइप है स्पीयर मैं नॉन पैरामेट्रिक की फिर कैंडल्स टाओ रैंक को रिलेशन कॉफिशेंट पॉइंट बाई सीरियल को रिलेशन कॉफिशियट बाई सीरियल को रिलेशन कॉफिशेंट फाई कॉफिशेंट क्रैमर्स वी कोफिश क्रैमर्स वी टेस्ट और इसके अलावा और भी बड़े टेस्ट हैं लेकिन जो मशहूर ज़माना दो टेस्ट हैं वो हैं पियरसन को रिलेशन कॉफिशेंट एंड स्पीयर मैंिलेशन कॉफिशेंट पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशेंट क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशन को ना मद्देनजर रखें क्योंकि हम इसको कोडिंग में करने वाले हैं सिर्फ आपको समझा दूँ पियर्सन को रिलेशन कॉफिशेंट मेयर होती है लीनियर कोरिलेशन की जिसकी बेस में आप एक्स और वाई वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं और इसमें वैल्यू आपके पास या तो प्लस वन आती है या माइनस वन आती है या इन दोनों के दरमियान आती है वन अगर होगी इसकी वैल्यू पियर्सन को रिलेशन कॉफिशेंट जिसको हम आर से शो करते हैं अगर इसकी वैल्यू वन है इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप है अगर इसकी वैल्यू माइनस वन है इसका मतलब है हाईली नेगेटिव रिलेशनशिप है जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है ठीक है और ये होता है बेसिकली आपका पैरामेट्रिक टेस्ट पे जिसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा होमोजेनियस हो फिर दूसरा आपके पास आता है रैंक ऑब्वियसली ये ये जो है ये आपका को रिलेशन होता है नॉन पैरामेट्रिक मैर्स पे क्यों क्योंकि ये रैंक को डिस्कस कर रहे हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कर रहा ठीक है और इसकी बेस यही है कि अनलाइक पियर्सन को रिलेशन स्पियरमैन को रिलेशन डज नॉट एज्यूम दैट बोथ डेटा सेट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है और इसकी भी जो टाइप है वो प्लस वन से माइनस वन के दरमियान ही होती है और जीरो इंप्लाई करता है नो कोरिलेशन यानी कि इन दोनों को पढ़ने का तरीका सेम ही है लेकिन पियर्सन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर और स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर अब पियर्सन को रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे निकाला जाता है बहुत आसान है और इसी के अंदर आज एक फंक्शन भी हम ड्रॉ करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना बेसिकली अगर आप गौर करें ये वेरिएंस के अंदर और हमने पिछले स्टैंडर्ड एवियेसन में और मीन वगैरह को निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई हैं सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं अब हमने इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए नीचे फंक्शन ख़ुद से बनाना है हमने कोई लाइब्रेरी पहले यूज़ नहीं करनी बाद में लाइब्रेरी यूज़ करेंगे सो पियर्सन को के लिए हमने पांडास बुला ली Numpy बुला ली और ये हमने फंक्शन खुद से बनाया अगर आप बेसिक्स ऑफ पाइथन अगर आपने सुनी हुई है और पढ़ी हुई है और मेरे से सीखी हुई है सो यू शुड नो कि ये फंक्शन क्या है फंक्शन का नाम मैंने रखा पियर्सन ऑब्वियसली पियर्सन आर को रिलेशन हम देख रहे हैं एक्स कॉमा वाई यानी कि दो वैल्यूज आपने देनी है एक्स और वाई ठीक है दो वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स जो कॉलम है दो कॉलम आपने यहां पे दे देने कॉमा के साथ तो ये फंक्शन क्या करेगा एक्स का मीन लेगा फिर वाई का मीन लेगा फिर एक्स का स्टैंडर्ड एवियेन लेगा फिर वाई का स्टैंडर्ड एवियेन लेगा फिर उनकी एन यानी कि लेंथ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करेगा ठीक है एट दी एंड हमारे पास ये सारी चीजें जब कैलकुलेट हो जाएंगी हम इक्वेशन को बनाते हैं समिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाय एन ऑ एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्टैंडर्ड एविये एंड वाई स्टैंडर्ड एविएशन इक्वेशन यही चीज है ठीक है यह x का मीन है पहले वाला यह y का मीन है इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है फिर यह स्टैंडर्ड एवियशन है और y के स्टैंडर्ड एवियशन है सिंपल तो यही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क और हमारे पास यहां पे बेसिकली इस तरीके से यह सारी की सारी सिचुएशन बन जाती है राइट यहां पे क्लियर हो गया आपको अब हमारे पास एक x वन टू थ्री फोर फाइव एक्स का डेटा सेट है ये वाई का डेटा सेट आ गया मैंने सिंपली क्या किया पियर्सन को एक्स और वाई पे लगा दिया और साथ में मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज किया अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कोडिंग सिखाया करूंगा आपको ताकि आपको पता चले ये हमने एफ स्ट्रिंग के अंदर ही लिख के पियर्सन आर को यहां पे प्रिंट कर दिया जैसे प्रिंट किया और हमारे पास जो रिजल्ट आए मैं आपको पहले वो दिखाता हूं देन वी विल मूव फर्दर ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये हमने यहां पे इसको जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास पियर्सन को रिलेशन आर की वैल्यू आई पॉइंट सेवन सेवन तो ये पॉजिटिव को रिलेशन हुआ कि नेगेटिव पॉइंट सेवन सेवन वैल्यू आई है अगर पॉइंट सेवन सेवन वैल्यू आए तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव को रिलेशन होगा क्योंकि ये जीरो से ऊपर वैल्यू है तो ये होगी पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है और अगर ये जीरो से कम होती तो ये होता है क्योंकि ये वैल्यू जीरो से ऊपर यानी कि काफी ऊपर है तो ये हाईली पॉजिटिव है अब ये कंडीशन को लगाने के लिए मैं यहां पर इसी के नीचे प्रिंट करता हूं ये कंडीशन मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर इफ एल्स कंडीशन के थ्रू दोबारा से अपनी स्टेटमेंट से लिख दी क्या स्टेटमेंट लिखी अगर पियर्सन को लेस देन पॉइंट सिक्स है एंड ग्रेटर देन जीरो है देन यू शुड प्रिंट पॉजिटिवली पॉजिटिव को ठीक है लेस देन पॉइंट सिक्स और जीरो जीरो से पॉइंट सिक्स के दरमियान दरमियान है तो ये पॉजिटिव को है अगर यह ग्रेटर देन पॉइंट है इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव को अगर इसी तरीके से माइनस पॉइंट सिक्स है तो नेगेटिव कोरिलेशन रिलेशन माइनस पॉइंट सिक्स से भी नीचे है तो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन ठीक है अदरवाइज इसको नो को रिलेशन कह दो क्योंकि वो जीरो ही बचता है पीछे अब आप खुद अंदाजा लगाएं यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज दिस वन और जैसे मैं इसको रन करूंगा हमारे पास यहां पे कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी बिकॉज हमने यहां पे कंडीशंस दी हुई हैं ठीक है एंड ये कंडीशनिंग यहीं पे नज़र आती है आपको और इसका फायदा भी ये है कि जब आप इसको रन करते हैं आपको ये अंदाज़ा लगाने की जरूरत नहीं है कि कितनी भी आर की वैल्यू आई है ये आर क्या है ये पियर्सन आर है ये पियर्सन को रिलेशन कोफिशेंट है आर ठीक है समझ आ गई और ये आर है और ये ये दूसरे वाला भी आर होगा जो स्पीयर होगा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ठीक है अब दूसरी साइड पे चलते हैं स्पीयरमैन कैसे लगने मैन रैंक को रिलेशन होता है इसके लिए आपको एक्स का रैंक पता होना चाहिए वाई का रैंक पता होना चाहिए एंड दैट्स ऑल आपके पास यहां पे स्पीयर मैन आ जाएगा सॉरी ये मैंने ऑबियसली ठीक है पियर्सन को रिलेशन एक्स के रैंक का और वाई के रैंक का हम लेंगे तो उसको स्पीय मैंस बोलेंगे बेसिकली ये इसमें कोरेक्शन है जस्ट लेटमी सी द इक्वेशन स्कस ओके So, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है स्पीयरमैन को तो हमारे पास सिंपली वही चीज आ जाएगी हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है अब ये पियर्सन एंड स्पीयरमैन आपको दो चीजें याद रहनी चाहिए अब हम देखते हैं कि और कौन से तरीके इनको कैलकुलेट करने के गौर कीजिएगा पहली चीज आप डायरेक्टली को को बेस्ड ऑन नम लाइब्रेरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि आप यहां पर को रिलेशन लिखेंगे और ये नम्पाई लाइब्रेरी क्या करेगी आपको कंप्यूट करके दे देगी यानी कि एन पी डॉट कोअर कोऑफिशेंट तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन को अगर आप गौर करें मैंने आपको तरीका बताया था फंक्शन के एंड पे कर्सर ले जाएं तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा आपके पास बेसिकली को आ रहा है तो अगर आप गौर करें ये बता रहा है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन आपके पास आ रहा है ठीक है तो आपके पास को जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है एक्स वाई का अगर आप आगे जाएं अगर आपने यहां पे पियर्सन कोरिलेशन को निकालना है तो आप पियर्सन कोरिलेशन को किसी एक पॉइंट पे लिखने के बाद डॉट लगाएं यानी के कॉलम वन डॉट कोरिलेशन और फिर आप उसके एंड पे वाई यानी कि कॉलम टू लगा दें ये पांडास के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली ठीक है तो ये जो फंक्शन है कोर का ये पांडा का फंक्शन है आप इस तरीके से पांडास के थ्रू कर सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं नम के थ्रू राइट right? फिर आप क्या करते हैं इसके अलावा अगर आप चाहे पांडाज के अंदर ही ना आप इस तरीके से कोई भी एक डेटा सेट बनाए ये हमारे पास डीएफ बन गया एक्स और वाई का मैं ये आपको पहले डी एफ दिखाता हूं डी एफ है क्या फिर आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने डेटा सेट के ऊपर को रिलेशन निकालने होते हैं ये है जी एक्स एंड वाई ठीक है यानी कि कॉलम वन एंड कॉलम टू ये हमारे पास दो कॉलम है ये हमने दो कॉलम लगाए हैं एक्स और वाई इसके ऊपर हम को रिलेशन निकाल रहे हैं सो so, इसका मकसद है डेटा बनाना और कॉलम पे ऊपर अगर आप डी एफ यानी कि डेटा फ्रेम पे कोरिलेशन लगाना चाहते हैं यू कैन डू इट लाइक दिस डी एफ डॉट कोर मैथड यहां पर लिख दें पियर्सन निकालना है वो स्पीयरमैन निकालना है वो कैंडल स्टाव निकालना है तो वो तो तीनों के तीनों आपके पास आ जाएंगे आप इसे रन करें आपके पास पियर्सन को रिलेशन कॉफिशेंट का मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा का पूरा और यहां पर स्पीयरमैन का भी और यहां पे कोरिलेशन का भी अब मैट्रिक्स का तो आपको पता है ना क्या है अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं एक्स का एक्स के साथ कोरिलेशन कितना है ऑब्वियसली यार ये वही एग्जाम्पल होगी ना मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं वो भोले वाला जो ड्रामा है याद होगा आपको नहीं समझ आई मैं आपको समझाता हूं मैं जब बड़ा हो रहा हूं तो मैं भी बड़ा हो रहा हूं हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं हुआ अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं भी बोल रहा हूं यानी कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ सो so, एक चीज़ जब बर्डी होती है उसी वक्त वो चीज़ भी बर्डी होती है सिंपली ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी एक क्वांटिटी का उसी के साथ ही कोरिलेशन निकालते हैं वो हाईली पॉजिटिव यानी कि वन आता है मैक्सिमम कोरिलेशन होता है समझ आ गई बात की इसी वजह से जब भी आप कोरिलेशन मैट्रिक्स देखेंगे जब दो चीज़ें एक जैसी आपस में इन कर रही होंगी उनका कोरिलेशन बिल्कुल वन आएगा और डायगनल के ऊपर इसी वजह से को रिलेशन मैट्रिक्स में वन आता है अब आपको मैट्रिक्स की टाइप याद होगी जिसके अंदर डायगनल के अंदर वन आता है उसको हम क्या बोलते थे याद करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस वजह से मैथमेटिक्स में आपको मैट्रिसेस मैंने पढ़ाए थे अब यहां पे अगर गौर करें तो पियर्सन को रिलेशन कॉफिशेंट जो है हमारे पास एक्स और एक्स का वन है और वाई और वाई का भी वन है यानी कि यहां से भी वाई वन है यहां से भी वाई वन है तो वाई और वाई जहां पे मिलते हैं वो वन है अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों साइडों पे अपर ट्राइंगल इसकी ले लें या लोअर ले ट्राइंगल ले लें इट विल गिव यू सेम रिजल्ट ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट अगर एक्स और वाई का, का को है तो वाई और एक्स का भी पॉइंट समथिंग है ठीक है सो इस तरीके से आपके पास को रिलेशन कॉफिशेंट का मैट्रिक्स आ जाता है सेम आपके पास स्पीयरमैन का भी आएगा सेम आपके पास कैंडल स्टाव का भी आएगा एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली कंप्यूट द को रिलेशन कॉफिशेंट अब यही नहीं और ये और सुनिए आप क्या कर सकते हैं कोई भी कॉफिशेंट का मैट्रिक्स को हीट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एस एन एस हीट मैप लाइब्रेरी और कैसे आप करेंगे ये लें मैंने यहां पे इन तीनों को रिलेशन कॉफिशेंट को इन तीनों को रिलेशन कॉफिशेंट को हम यहां पर मैप के थ्रू प्रिंट करें तो क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज थी x एंड y तो आप देखें हमारे पास इस तरीके से एंड 1 1. तो ये मैट्रिक्स की वैल्यूज की बेस पे हमने हीट मैप बना लिया ठीक है अब यहां पे एंड आ 1 1 रहा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है ऑब्वियसली आपको पता होगा मैं बता इस वजह से नहीं रहा क्योंकि आपने कॉमेंट सेक्शन में लिखना है और अपर ट्राइंगर मैट्रिक्स और इसका लोअर ट्राइंगल जो है वो सेम सेम आ रही है ठीक है सो अगर ये दोनों सेम सेम आ रही हैं इसका भी एक और मतलब भी है मेर इमेज हमारे पास आ रही है तो क्या होगा इसका आप जरा चेक कीजिएगा मतलब रोज को अगर मैं कॉलम्स में ट्रांसपोज कर दूं और कर दूं और ट्रांसपोज कर कॉलम को रोज में तो कोई फर्क पड़ेगा चेक कीजिएगा एक दफा ठीक है एंड दिस इज हाउ यू कैन हैव अ कोरिलेशन रिलेशन मैट्रिक्स और इसी तरीके से स्पीयरमैन कोरिलेशन को आ गया इसी तरीके से कैंडल स्टाव का आ गया एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि कोरिलेशन रिलेशन होता क्या है कैसे बनाना है तो मैंने कौन से तरीके बताए आपको तीन तरीके सबसे पहले आप डिफ, डिफाइन कर लें अपना फंक्शन या आप नम से आप ले लें दूसरा तरीका तीसरा पांडा से ले लें और फिर पांडा से कोरिलेशन निकालने के बाद आप इसको फर्दर जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इनटू मैप्स इनटू हीट मैप्स और इसके अलावा साईपाई स्टैट्स मॉडल सारी लाइब्रेरीज आपको कोरिलेशन कोफिशेंट कैलकुलेट करके दे देंगे सो एक याद नहीं करनी है आपने डिफ़ाइन करना है फंक्शन तो कर लें नहीं तो आप यूज़ कर लें यही फ़ायदा है पाइथन के ऊपर काम करने का कि आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती हैं यू डोंट नीड टू राइट द इक्वेश इन साइड फंक्शन ये नोट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी गिठप की रेपोजिटरी के अंदर और अगर आपको नहीं पता कि गिठप की रेपोजिट्री कहाँ पर आप यूट्यूब की इसी वीडियो के सेक्शन में जाएँ तो जाने के बाद आप के सामने ये वाली हमारी सिक्स मंथ्स ऑफ डेटा साइंस विद पाइथन है ये वाली हमारी जो रेपोजिट्री आपके सामने आएगी स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको को रिलेशन तक सारी की सारी नोटबुक्स जो है हमारी वो मिल जाएंगी और को रिलेशन के अंदर ही सारा कुछ हमने किया हुआ है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अब हम करने वाले हैं पूरी जितने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैं उनका एक्सपेरिमेंट ऑन वन डेटा सेट